गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबा में। अब ये जो शो है हमारा, यहाँ पर हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो भी टॉपिक्स इस शो में डिसाइड किए जाते हैं वो सब आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो अगर आप कहते हैं कि इस पे वीडियो बना दीजिए, हम उसे एक आइडिया लिस्ट में नोट कर लेते हैं और बाद में कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पर वीडियो बन जाए। तो इस बार एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो आपके पास अगर कोई टीवी है, समझ लीजिए कि आपका पुराना एलसीडी टीवी आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें एचडीएमआई पोर्ट एक है, तो आप इनमें से कोई भी एक मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस खरीद के उस टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। यानी कि उस टीवी को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब इत्यादि काफी सारे ऐप्स आप चला सकते हैं ओटीटी कंटेंट देखने के लिए, यानी कि इंटरनेट से जो वीडियोस होते हैं उनको स्ट्रीम करके देखने के लिए। तो अभी ये सारे डिवाइसेस काफी पॉपुलर हो चुके हैं आज की डेट में। मार्केट में बहुत ही सस्ते में 2000 रुपए से भी कम में मिल रहे हैं ये डिवाइसेस। तो क्या आपको नया स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या फिर आपके पुराने टीवी में आप ये मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस लगा के उसको एक नए स्मार्ट टीवी की तरह बना सकते हैं? कितने पैसे खर्च करने चाहिए इन डिवाइसेस पे, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए इन डिवाइसेस को खरीदने से पहले, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा होगी इस एपिसोड में। अब ध्यान रखिए कि पहले 8-10 मिनट तो हम बात कर लेंगे इसके बारे में, उसके बाद में जितना भी समय हम बात करेंगे सारे आपके सवालों के लिए रखा हुआ है। लगभग 20-25 सवाल तो आपने भेजे हैं हमारे YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में। तो इसीलिए अगर आप में से कोई नए व्यूअर है हमारे, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सवाल हमारे कैसे आ जाएं, तो आप जाइए YouTube पे गैजेट 360 हिंदी के चैनल पे, हमारे चैनल पे, और वहाँ कम्युनिटी टैब होता है उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर देख लेंगे बुधवार या गुरुवार को नया सवाल आ जाता है, यानी नया टॉपिक आ जाता है। वहाँ पर आप कमेंट करके अपने विचार, अपने सवाल वगैरह पूछ लीजिए वहाँ पे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको टाजम हमारा शो पसंद आता है, यानी कि टेक आपकी जुबान में आपको पसंद आता है, तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए, उसे काफी प्रोत्साहन मिलता है। और साथ में कमेंट करके बताइए अगले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहते हैं, और दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी आकर यहाँ पर देख सकें और कुछ नई चीजें जान सके टेक के बारे में। तो चलिए इस एपिसोड में हम पहले बात करते हैं मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस क्या होता है इसके बारे में। अभी मैंने पहले आपको ब्रीफ में तो बता दिया था, लेकिन थोड़ी एक कहानी सुना देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि मैं इसमें कब इंटरेस्टेड हुआ था। तो आया था हमारे पास में एक रिव्यू यूनिट एक डिवाइस का, उस डिवाइस का नाम था एप्पल टीवी। अब आप सोच रहे होंगे नाम तो इसका एप्पल टीवी है, एप्पल कंपनी टीवी कब से बनाने लग गई। अब एप्पल टीवी नहीं बनाती है, लेकिन एप्पल एक मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस जरूर बनाती है। अब वो एकदम ही छोटा सा डिवाइस है, आपके हाथ में आसानी से फिट हो जाएगा एप्पल टीवी, इतना छोटा सा डिवाइस है बस। और उसको आपको कुछ नहीं करना है, एक पावर केबल से कनेक्ट करना है, यानी कि पावर आउटलेट कहीं पर भी घर पर रहेगा कनेक्ट कर दीजिए, और दूसरे एंड पे आप उसमें इंटरनेट लगा सकते हैं, वाईफाई भी है, इथरनेट भी है, और तीसरा एक होता है टीवी में कनेक्ट कर दीजिए एचडीएमआई केबल के द्वारा। तो अपने टीवी में आप देख लीजिए, अगर आपके टीवी में एचडीएमआई पोर्ट खाली पड़ा है तो आप स्मार्ट टीवी उसको बना सकते हैं आसानी से। आपका टीवी ऑलरेडी स्मार्ट टीवी है, जैसे कि एंड्रॉयड टीवी वगैरह कुछ चल रहा है आपके टीवी पे, तो भी आप इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी किन लोगों के लिए होते हैं ये डिवाइस, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन एप्पल टीवी की बात पे वापस आ जाते हैं। तो जब मुझे एप्पल टीवी हमारे पास रिव्यू के लिए जब आया था, तो कुछ दिन मैंने इसका इस्तेमाल किया और मुझे इतना पसंद आया वो डिवाइस कि मैंने क्या किया, मेरे जो घर के लिविंग रूम में टीवी था उसे तो छोड़ दिया। एक मॉनिटर मेरे पास पड़ा हुआ था, जैसे जो पीछे मॉनिटर है वैसे ही एक मॉनिटर था घर में, तो उस टाइम पे वो मॉनिटर यूज नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था। तो उस मॉनिटर से मैंने हमारे एप्पल टीवी को कनेक्ट कर दिया और अंदर वाले कमरे में बैठ के आराम से मैं अपने फुटबॉल के मैचेस, क्रिकेट के मैचेस वगैरह देखता था वहां पे। तो सबसे पहले मैंने उसका वहां पर इस्तेमाल किया, और फिर एप्पल टीवी मैंने देखा इसमें तो गेम्स वगैरह भी है, और वो भी एकदम मतलब अच्छे iOS क्वालिटी के गेम्स है, यानी कि आईफोन आईपैड में जो चलते हैं उसी टाइप के अच्छे क्वालिटी के गेम्स भी थे उसमें। तो बहुत ही मैं एकदम इससे संतुष्ट था डिवाइस से और बहुत खुश हो गया था। फिर मैंने देखा उसका दाम कितना है, 10,000 रुपए से भी ज्यादा का आता है एप्पल टीवी। आज की डेट में अगर आप देखेंगे एप्पल टीवी 4K नाम का एक डिवाइस आता है, 17,000 रुपए से भी ज्यादा है उसका प्राइस। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये डिवाइस कितना भी अच्छा हो, मेरा फेवरेट स्ट्रीमिंग डिवाइस अभी का एप्पल टीवी है। मतलब एक बार वो आप यूज कर लेंगे आप भी समझ जाएंगे इसमें क्वालिटी में इतना अंतर है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है, इंटरफेस इतना स्मूथ है, सारे ऐप्स की क्वालिटी, डिजाइन, पॉलिश जो भी होती है सब एकदम बढ़िया है। लेकिन 17,000 रुपए स्ट्रीमिंग डिवाइस के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो मेरी उम्मीद ये है कि आगे जाकर एप्पल ये कंपनी एप्पल टीवी को सस्ते में दे दे, मतलब 5-7-10 हज़ार के आसपास भी आ जाएगा तो भी लोग खरीदना चाहेंगे। 17,000 रुपए तो मुझे नहीं लगता कोई भी खरीदा, मैं खुद इतना बड़ा फैन होके भी नहीं खरीदूंगा, तो बाकी लोग की तो बात ना करे तो ही अच्छा है। तो चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, स्मार्ट टीवी में आप क्यों इस्तेमाल करेंगे ये डिवाइस, आपका जो पुराना टीवी है उसमें क्यों इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में। अभी देखिए सबसे पहले कि किसको लेना चाहिए ये डिवाइस, मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस जो होते हैं, अभी काफी सारे आ चुके हैं मार्केट में, मी टीवी स्टिक है, फायर टीवी स्टिक है, ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और 2,000 रुपए से कम में स्टार्टिंग प्राइस है इनका। अच्छे वाले 4K स्ट्रीमिंग डिवाइसेस भी आपको बहुत ही अच्छे 3,500-4,000 में मिल जाएंगे। अमेजोन का खुद का फायर टीवी स्टिक जो है वो 6,000 का आता है, शाओमी का एक मी बॉक्स 4K आता है 3,500 में। तो ये क्या आपको खरीदने चाहिए, अभी 2-3 चीजों का जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा। नंबर 1 चीज, आपके पास अगर स्मार्ट टीवी है ठीक है,
क्या वो अच्छा चल रहा है, इंटरफेस में कोई लैग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, सही से आप खुश हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह सब अच्छी है। तो अगर ये सारी जो जितने सवाल पूछे सबका आंसर आपने बोला हाँ सब अच्छा है सब अच्छा है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अपना स्मार्ट टीवी यूज कीजिए, मत लीजिए सारे डिवाइसेस। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मेरा पुराना हो चुका है स्मार्ट टीवी, काफी लैग करता है, ऐप्स कभी खुलते नहीं है, बहुत ज्यादा बगी हो चुका है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसमें, सारे स्मार्ट फीचर्स मेरे यूज नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप ले सकते हैं इन सारे डिवाइसेस में से कोई एक जो आपके लिए सही रहेगा आपके बजट के हिसाब से। अब अंडर 5000 इतने अच्छे डिवाइसेस मिलते हैं तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि आप उनको ले सकते हैं। इनमें से कौन सा लेना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत रिसर्च की है इस टॉपिक पे मैंने, तो थोड़ी देर बस आप सबर कीजिए, बने रहिए, क्योंकि क्या होता है ना काफी सारे लोगों को बेसिक चीजों की जानकारी भी चाहिए होती है, तो इसीलिए अब पहले हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। दूसरा यूज केस क्या होता है इन डिवाइसेस का, कि अगर आपके पास में पुराना एलसीडी टीवी पड़ा हुआ है, मतलब नॉन स्मार्ट टीवी जो होते हैं वो पड़े हुए हैं, और आप सोच रहे हैं कि भैया अभी इंटरनेट का कंटेंट टीवी पे देख ले तो अच्छा रहेगा, फोन की स्क्रीन बहुत छोटी लगती है मुझे, थोड़ी बड़े स्क्रीन पे देखे तो मजा आएगा। आप में से काफी सारे लोग हॉटस्टार पे क्रिकेट के मैचेस वगैरह देखते होंगे, आईपीएल देखा होगा आपने, अभी आने वाले जितने सीरीज वगैरह हैं सोनी लिव और हॉटस्टार पे है, भारत ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज भी सोनी लिव पे आएगी, तो आप सोच रहे होंगे कि बड़े स्क्रीन पे मैं देख लूं, मेरे घर पे केबल नहीं है तो मैं ले लेता हूं ये, मतलब कैसे देखा जाए, तो आप ले सकते हैं एक मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस और देख सकते हैं। अभी एक और तीसरी यूज केस है यहाँ पर, इसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं हमारे दर्शकों में से जो टीवी जब देखते हैं सिर्फ केबल टीवी ही देखते हैं, उनको कोई मतलब रुचि नहीं है ज्यादा इंटरनेट का कंटेंट अपने टीवी पे देखने के लिए। तो अगर आप इनमें से एक हैं, स्मार्ट टीवी मत लीजिए, आप टीवी पे जो कंटेंट आता है अच्छा चलता है, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट ये मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस जो होते हैं उनके अलग ही झंझट होते हैं काफी सारे, जैसे कि अगर आप ले भी लेते हैं डिवाइस आपको फिर OTT सर्विस के तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अब YouTube जैसी सर्विस तो फ्री में चल जाएगी ठीक है, लेकिन Hotstar जैसी सर्विस में आप देखेंगे कि फ्री में लिमिटेड चीज़ें चलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बार बार वो ऐड वगैरह दिखाने लगता है, अब वो सब हटाना है आपको तो प्रीमियम में सब्सक्राइब करो, और उसके सब्सक्राइब का आप कॉस्ट भी देख लीजिए, मतलब 300-400 रुपये साल के लेते हैं मिनिमम प्लान में, और हायर प्लान वाला 1000 रुपये होते हैं, 1000 या 1500 रुपये साल के। तो ये एक सर्विस हुई, इसके अलावा सोनी के अलग प्राइसिंग है, फिर उसके बाद में आप लेंगे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का प्रीमियम ले सकते हैं, अमेजोन प्राइम वीडियो ले सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग सर्विस की अलग अलग प्राइसिंग होती है। इसीलिए अगर आपके पास केबल नहीं है, आप लेना नहीं चाहते केबल बिल्कुल भी घर में, आप सोच रहे हैं सेट टॉप बॉक्स मेरा बहुत लैग करता है, पसंद नहीं है मुझे, मैं OTT में शिफ्ट होना चाहता हूं, तो ठीक है, लेकिन अगर आप केबल टीवी से संतुष्ट हैं तो आपको ये सारे डिवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप पैसे बचा लीजिए, दूसरे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लीजिए, मतलब आप कितने सारी चीज़ें ले सकते हैं 1500-2000 में, तो आजकल इतने सारे अच्छे अच्छी चीज़ें आ जाते हैं, तो आप उन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। तो आप पता चल गया हमको कि किसको लेना चाहिए ये सारे डिवाइस। अब बात करते हैं कि कौन से डिवाइस इनमें से लेने लायक है। अभी देखिए आपको मैं नंबर वन रिकमेंडेशन दूंगा, सबसे बेस्ट डिवाइस जो ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा वो मेरे हिसाब से तो होगा Mi Box 4K। तो Xiaomi का डिवाइस है ये, अब Mi Box 4K जो है 3500 रुपये का आता है। अब इस डिवाइस को आप अपने टीवी से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, Apple TV जैसा ही दिखता है वैसे, तो काफ़ी छोटा सा बॉक्स है वो, और उसमें बस इतना ही मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो आपके टीवी के सामने थोड़ी जगह होनी चाहिए, एक डेस्क या कुछ भी छोटा सा, मतलब इतनी सी जगह भी मिल जाएगी, एक टेबल पे आप रख लेंगे उसको, फिर वो अपना काम अपने आप ही करते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला डिवाइस जो अगर आप सोच रहे हैं कि एक पेन ड्राइव की तरह मैं कनेक्ट कर दूँ टीवी में, और जो USB स्टिक आती है ना उस टाइप का लगे ये अच्छा सा HDMI पोर्ट में कनेक्ट कर दूँ मैं इसे और चलेगा अच्छे से, बिल्कुल भी नीचे जगह वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, तो शायद आपके लिए ना हो। लेकिन उसके अलावा सबके लिए, थोड़ी भी आपके पास जगह है टीवी के सामने रखने के लिए एक बॉक्स, बिल्कुल ही बेस्ट डिवाइस है यही वाला लीजिए, इसमें 4K कंटेंट आपको मिल जाएगा ठीक है, साथ में HD कंटेंट भी काफ़ी अच्छा चला लेता है ये, और 3500 रुपये में जो आपको परफॉर्मेंस देता है वो मतलब लैग वैग की बहुत ही कम प्रॉब्लम है, मतलब इंटरफेस बहुत स्मूथ चलता है इसका, तो इसके कारण 3500 रुपये में जो पैकेज आपको ओवरऑल मिल रहा है अनबीटेबल है। अगर आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं एक डिवाइस पे तो डेफिनेटली ये वाला लीजिए। अब दूसरी रिकमेंडेशन मेरी रहेगी Fire TV स्टिक जो लेटेस्ट आई है अभी 2020 की, अब इसका प्राइस भी ऐसे ही कुछ है 3000 रुपये के आसपास ही है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, आप इसे लेके मतलब बेसिकली अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं, और इसका जो इंटरफेस है काफ़ी अच्छा है। ध्यान रखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर जरूर कहूँगा, फायर टीवी स्टिक के साथ मैंने देखा है कि अगर आप अमेजोन प्राइम वीडियो पे कंटेंट देखते हैं, अमेजोन की प्राइम सर्विस तो आपने ले रखी होगी, 1000 रुपये साल की, डिलीवरी भी फास्ट हो जाती है, उसके साथ में प्राइम म्यूजिक मिलता है, प्राइम वीडियो भी मिलता है, तो अगर इसमें आप हैं सब्सक्राइब ऑलरेडी Amazon Prime Video के, आप बहुत सारे शोज देखते हैं मिर्ज़ापुर वगैरह, और आप थोड़ी बहुत क्रिकेट वगैरह में भी रुचि रखते हैं, वैसे Amazon Prime Video ने न्यूजीलैंड के भारत के क्रिकेट के राइट्स खरीद लिए अभी हाल ही में, तो इन सारी चीज़ों में अगर आपको रुचि है, Amazon Prime Video का कंटेंट आप बहुत देखते हैं, तो Fire TV Stick आपके लिए एकदम बेस्ट डिवाइस है, उससे अच्छा मार्केट में कुछ नहीं मिल सकता है। थोड़ा आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो Fire TV Stick 4K ले सकते हैं,
तब वो वाला जो है अगर आपका 4K टीवी है तो काफी अच्छा कंटेंट दिखा देगा। लेकिन फायर टीवी 4K 5000 रुपए के आसपास सेल में देखा है मैंने, एक्चुअल प्राइस 6000 रुपए के आसपास है उसका। तो ये दोनों डिवाइस आप कंसिडर कर सकते हैं। बस फायर टीवी स्टिक में नेटफ्लिक्स का ऐप जो है अच्छा चलता है, अमेजॉन प्राइम वीडियो का अच्छा है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बाकी जितने OTT के ऐप्स हैं ना वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं जितने करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारे और डिवाइस है, सबसे सस्ता डिवाइस है मी टीवी स्टिक एक है मार्केट में, वो भी बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। बस ध्यान रखिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि बिना लैग का एकदम बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस देगा मुझे, तो उतना शायद ना हो पाए, थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस तो रहेगा इसका। लेकिन प्राइस भी देखिए, अंडर 2000 रुपीज आपको ये डिवाइस मिल रहा है अगर, तो फिर उससे आप मतलब 4000 वाली परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो उसका भी ध्यान रखिए। तो ये तीन मेन डिवाइस हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि मैं गूगल क्रोमकास्ट क्यों ना लूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी गूगल क्रोमकास्ट की, क्योंकि वो मुझे तो लगता है ज़्यादा मिररिंग डिवाइस है, खुद से स्ट्रीम करने वाला अभी तक उसका मतलब जो इंडिया में क्रोमकास्ट अवेलेबल है वो इतना अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल क्रोमकास्ट जो है वो जहां तक मुझे पता है भारत में आ जाना चाहिए जल्दी ही, वो वाला अगर आ जाता है तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो वो वाला डिवाइस अभी के लिए अवॉइड करें अंटिल जो नया वाला क्रोमकास्ट आया है US में जो लॉन्च हो चुका है, वो अगर भारत में आता है तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करना चाहूंगा उसको यूज़ करने के बाद में। लेकिन तब तक हम आपको ये आसानी से कह सकते हैं कि जो मैंने 3 डिवाइस रेकमेंड किए हैं वो सबके लिए हो जाएंगे, उसके आगे कोई ज़्यादा डिवाइस देखने की जरूरत नहीं है। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बॉक्सेस आते हैं, लेकिन ये 3 हमने यूज़ किए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया चलेंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एप्पल टीवी क्यों नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, देखिए मैंने पहले कारण दे दिया, बहुत महंगा है, 17000 रुपये किसी को नहीं खर्च करने चाहिए, जब आपको 6000 रुपये में 4K मिल रहा है, डॉल्बी विजन मिल रहा है, सब मिल रहा है जो चाहिए आपको, आप क्यों 17000 रुपये खर्च करेंगे उस पर। जितना भी मुझे पसंद हो, अल्टीमेटली मेरी क्या है ना, आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका नुकसान ना हो, आपको ऐसी कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी ना मिले। तो डिवाइस भले ही मुझे कितना भी पसंद हो, वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, और एप्पल टीवी के साथ में वही हुआ है यहाँ पर। तो ये बेसिक चीज़ें थी मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस के बारे में। अब एक लास्ट बात करूंगा, उसके बाद में आपके सवालों के जवाब देने की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सोच लीजिए कि आप कोई भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपकी डेटा सिक्योरिटी है या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है इस मामले में, आपको सोचना चाहिए थोड़ा। तो आप जो केबल टीवी वगैरह देखते हैं उसका ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब इंटरनेट पे इमीडिएटली किसी कंपनी को भेज दिया गया डेटा कि भैया चलिए अभी प्रणय जी ने यहाँ पर टीवी चालू किया इस समय पे, दोपहर के 2 बजे टीवी इन्होंने चालू किया, 2 से 4 बजे ये स्टार स्पोर्ट्स देख रहे थे, 4 से 6 बजे इन्होंने सोनी में स्विच किया, दूसरे को स्पोर्ट्स देख रहे हैं। तो ऐसी ये सारी जानकारी केबल टीवी में आप देखते हैं तो इंटरनेट पर नहीं जाती है, आपका प्रोफाइल ऐसे बनता नहीं है इंटरनेट पर कि भैया इस घराने में 2 से 6 बजे के बीच में स्पोर्ट्स चैनल चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो यूजर है इनका, ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, इनको हम स्पोर्ट्स के विज्ञापन दिखाएंगे, इंटरनेट में कुछ भी सर्च करने लगे इनको स्पोर्ट्स के विज्ञापन दिखने लग जाएंगे, ऐसा प्रोफाइल वगैरह नहीं बनता है। स्मार्ट टीवी डिवाइसेस के साथ, जितने भी मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस स्मार्ट टीवीज है सबके साथ में आपको इसका ध्यान तो जरूर रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टेंटली इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस है। काफी सारी कंपनियां इसमें से डेटा गैदर करके देखती हैं कि आप किस समय पर देख रहे हैं, कौन से डिवाइस पे देख रहे हैं, कौन से IP एड्रेस से आप देख रहे हैं, ताकि आपका प्रोफाइल बने और इंटरनेट पे आपको विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं बाकी सारे, या फिर आपके स्मार्ट टीवी में भी कभी कभी जो विज्ञापन आते हैं वो उस पर आधारित होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये डिवाइसेस खरीदने से पहले आप सोच लीजिए, आप वैसे भी हम सब तो आजकल ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि पूरी तरह से प्राइवेसी एकदम हमारी सिक्योर है। इंटरनेट में हम जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हैं, हर चीज़ को पूरी तरह से ट्रैक किया जाता है और विज्ञापन दिखाए जाते हैं। स्मार्ट टीवी और मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस जितने भी हैं ये इंटरनेट वाले कनेक्टेड वाले, ज़्यादातर डिवाइसेस में भी इसी तरह का काम होता है। तो इसका आप ध्यान जरूर रखिए इन सब चीज़ों को लेने से पहले। आपकी डेटा सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए भी होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ, इसका ध्यान जरूर रखिए खरीदने से पहले। अब ऐसा आप सोचेंगे कि नहीं मुझे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिवाइसेस बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तो ऐसे करने लग जाएंगे तो आप पूरे इंटरनेट का मजा ले ही नहीं पाएंगे, आपको पूरा एकदम ऑफलाइन डिस्कनेक्टेड रहना पड़ेगा पूरी प्राइवेसी के लिए उस तरह से। तो उससे अच्छा क्या होता है कि आप बस अवेयर रहें कि ऐसा चीज़ हो सकती है, और हम जितना हो सके इस टाइप के मतलब नेटवर्क में घुसने से पहले एक बार सोच लें कि हमारे लिए ठीक है या नहीं, जितने हमें एंजॉयमेंट मिल रही है उससे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसकी, उससे हिसाब से प्राइवेसी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसका बस एक बार ध्यान रख लीजिए खरीदने से पहले, बस इतना ही कहना था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आपके सवालों की तरफ। ओके, सबसे पहला सवाल है सोफिया म्यूजिक एंड टेक्सटार इनका, इनका कहना है कि हेलो सर, मैंने मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस को इस्तेमाल करना है तो अमेजोन फायर टीवी को ही मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि इससे प्राइवेसी रहेगी, फर्स्ट मैं स्मार्ट टीवी परचेस करना पसंद करूंगा। देखिए सोफियान जी, अभी
मुझे पता नहीं कि इससे प्राइवेसी कितनी हद तक रहेगी अमेजोन की, क्योंकि अल्टीमेटली अमेजोन जो है ये शॉपिंग वेबसाइट है, तो आप जो कंटेंट देखते हैं उससे उनको थोड़ा बहुत डेटा मिलता है कि आप किस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसीलिए शायद वो अपने इकोसिस्टम में यूज़ करते होंगे किसी तरह से। पूरी तरह से जानकारी नहीं है इसके बारे में, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पढ़ने से ही मिलती है सारी जानकारी, तो थोड़ा इसके बारे में भी सोचिए। मुझे लगता है पर्सनली कि एप्पल टीवी नंबर वन होगा प्राइवेसी के लिए, लेकिन वो डिवाइस इतना महंगा है कि मुझे नहीं लगता है कि वो प्राइवेसी कितनी भी दे दे वो वर्थ रहेगा। ज़्यादातर लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, अनलेस आप उनमें से हैं जिनको बजट से कोई मतलब नहीं है, आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे एप्पल इकोसिस्टम होनी चाहिए घर पे, तो आपके लिए है। अब एप्पल टीवी ये डिवाइस है ना, इसके बारे में एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मतलब एप्पल इकोसिस्टम में रहने से फ़ायदा क्या होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास एप्पल डिवाइस है, जैसे आईफोन है, मैकबुक है, या फिर होमपॉड है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह के एप्पल डिवाइसेज अगर आपके पास में बहुत सारे हैं तो एप्पल टीवी होने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि मैकबुक का कंटेंट आप आसानी से टीवी पे मिरर कर सकते हैं, जो भी कंटेंट यहाँ दिख रहा है वो टीवी में देख सकते हैं। सिमिलरली आईफोन का कंटेंट आसानी से वहाँ भेज सकते हैं। उसी तरह से आपने एक बार आईफोन पे एक गेम खरीद लिया, अगर उसका एप्पल टीवी वर्जन है तो एप्पल टीवी में आपको फ्री में गेम मिल जाता है, और काफ़ी सारे अलग अलग मतलब उसके एडवांटेजेस भी हैं। और पीछे जो होम पॉड रखा है ना, उसको आप मेन स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हैं एप्पल टीवी के साथ में, बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं। लेकिन इतना महंगा है वो डिवाइस, तो प्राइवेसी कितनी भी अच्छी हो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फायर टीवी में ये मैं मानता हूँ डेफिनेटली कि उसकी प्राइवेसी लेवल अच्छी लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं जितनी एप्पल आपको दे सकता है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा आपने क्या कहा है यहाँ पे कि स्मार्ट टीवी मैं परचेस करना पसंद करूँगा। देखिए पर्सनली मुझे लगता है कि आज की डेट में मार्केट में अगर आप टीवी खरीदने जा रहे हैं, आप स्मार्ट टीवी ही लीजिए, क्योंकि अच्छे डील्स उसमें ज़्यादा मिलते हैं। जो नॉन स्मार्ट टीवीज हैं वो उतने अच्छे प्राइसेस पर नहीं मिल पाते हैं। कुछ कंपनियों ने इसका कारण भी दिया है, एक कारण ये है कि स्मार्ट टीवी अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी डेटा वगैरह वो मतलब यूज़ करके आपको एड्स वगैरह दिखा सकते हैं, तो उससे उन कंपनियों को थोड़ा एक मौका मिल जाता है आपके लिए सब्सिडाइज करने का एक्चुअल प्राइस का टीवी का, तो वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको प्राइवेसी का कंसर्न है स्मार्ट टीवी के साथ में, आप उसे यूज़ मत कीजिए। आपने स्मार्ट टीवी में आप कोई फायर टीवी स्टिक जैसा डिवाइस डाल लीजिए तो वो भी चलेगा अच्छे से। बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड टीवी ज़रूर होगा टीवी में, लेकिन आप उसे इग्नोर करके फायर टीवी स्टिक का इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। होपफुली आप स्मार्ट टीवी ले लेंगे और इसी शो के कमेंट्स वगैरह में आके बता देंगे कि कौन सा लिया है आपने स्मार्ट टीवी, ज़रूर बताइएगा बाद में। और रेगुलर व्यूअर आप रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे रेगुलर ऑडियंस बार बार आके सवाल पूछती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देवशीष नाहक जी, इनका कहना है कि नॉर्मल टीवी वर्सेस एंड्रॉयड टीवी वर्सेस स्ट्रीमिंग स्टिक कौन सा लिया जाए। अभी देखिए बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, नॉर्मल टीवी किसको लेना चाहिए? अगर आप सिर्फ केबल टीवी देखते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इंटरनेट पर क्या चल रहा है उससे, वो आपको टीवी पर नहीं देखना है, तो आप नॉर्मल टीवी लीजिए। अगर आप डेडिकेटेड स्मार्ट टीवी ले रहे हैं, प्रोसेसर ज़रूर देखिए। जितना मैंने देखा है काफ़ी सारे सस्ते वाले टीवीज़ में ना एमलॉजिक के प्रोसेसर होते हैं, और वो जो बजट वाले टीवीज़ में दिए गए हैं वो प्रोसेसर एमलॉजिक के वो उतने ताकतवर नहीं होते, तो इंटरफेस थोड़ा लैग करता है कंटेंट से मतलब निकलने में, और टीवी को स्टार्ट करने में ये सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत डिले होता है। मीडियाटेक के जो प्रोसेसर होते हैं टीवी में, स्मार्ट टीवीज़ वाले में, जितने मतलब थोड़े हायर एंड टीवीज़ में होते हैं वो, तो वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो स्मार्ट टीवी अगर आप ले रहे हैं तो प्रोसेसर का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि लैगी टीवी रहता है ना, मुझे बहुत चिढ़ होती है उससे, शायद आपको भी हो या शायद आपको उससे उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से उसका ध्यान ज़रूर रखिए। और इन टीवीज़ में अगर आप ले रहे हैं पैनल क्वालिटी ज़रूर देखना, प्लीज़ एक स्टोर वोर में जाके आप देख लीजिए पिक्चर क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है और वही वाला लेना। ऑनलाइन खरीदने से ना पता नहीं चलता है कि कौन सी टीवी की पैनल क्वालिटी अच्छी है, तो एक बार वो आप कोशिश कर ले स्टोर जाके देख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब स्ट्रीमिंग स्टिक किसको लेना है, पूरे एपिसोड में मैंने बताया, आपने अब तक तो देख ही लिया होगा, तो होपफुली आपको जो चाहिए था जिस चीज़ का जवाब वो यहाँ पर मिल गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नरेंद्र सिंह जी का कहना है कि भाई स्मार्ट टीवी ज़रूर महसूस नहीं होती, जितनी डिजिटल हो रहे जितना डिजिटल हो रहे उतना कठिन बन रहा है जीवन। तो देखिए अभी आपकी बात बिल्कुल भी सही है कि स्मार्ट टीवी की ज़रूरत सबको महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ लोगों को क्या है ना, केबल टीवी सिंपल सा है, अच्छा चलता है, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ अगर मतलब आपका डिश टीवी टाइप का कोई सर्विस है, आप कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी कभी बंद हो जाता है, लेकिन अदरवाइज बहुत ही बढ़िया चलता है केबल टीवी, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो जीवन अगर आपको पसंद है बिल्कुल इसी में रहिए, स्मार्ट टीवी वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। अब हम जैसे लोग होते हैं ना कि टेक्नोलॉजी को देख लिया एक बार तो ट्राई करने का बहुत मन करता है, तो इसीलिए हम लोग जाके खरीद लेते हैं सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद में यूज़ करके फिर थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि भाई हम थोड़े एडवांस टेक में आ गए हैं, अभी थोड़े क्या बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक एज में आ चुके हैं, ऐसा लगने के लिए हमको फीलिंग होती है कॉन्स्टेंटली कि भैया थोड़े आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर कोई केबल टीवी यूज़ कर रहा है उसको स्मार्ट टीवी नहीं लेना है, उससे कोई गलती नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, जैसा आपका प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप चीज़ें लीजिए। फालतू में से गैजेट लेके जमा करना उनको और यूज़ नहीं करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनदीप चौधरी जी, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि प्रणय भैया ये आपने सही कहा कि मी टीवी स्टिक, फायर टीवी स्टिक और क्रोम कास्ट इन सबसे
अच्छा स्ट्रीमिंग डिवाइस कौन सा है, इन सब में से कौन सा अच्छा स्ट्रीमिंग डिवाइस है ये बता दीजिए। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है, लेकिन आप एक बार बता देना कि इनमें से कौन सा अच्छा है। वैसे मुझे एक नॉर्मल टीवी से अच्छा एक स्मार्ट टीवी लेना सही लगता है। फिर यहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, अब स्मार्ट टीवी तो बहुत सारे अवेलेबल है बट पिक्चर क्वालिटी सबसे बड़ा इशू है। अब स्मार्ट टीवी का क्या फ़ायदा जब पिक्चर क्वालिटी अच्छी ना हो, प्लीज़ एक अच्छा स्मार्ट टीवी सजेस्ट कर दीजिए। देखिए मनदीप जी, आपने इतना लंबा मैसेज लिख दिया लेकिन आपने बजट नहीं बताया आपका। आप बजट बताएंगे तो फिर हम अकॉर्डिंगली टीवी आपको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं अज्यूम करके चलूंगा कि ज़्यादा महंगा टीवी आप अभी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं मार्केट में जो 50,000 से ऊपर का टीवी ले सकते हैं। मैं पर्सनली भी टीवी ढूंढ रहा हूं अभी, लेकिन मेरा भी बजट 50,000 के ऊपर नहीं है। मैं सोच रहा हूं 25-30 के आसपास मिल जाएगा अच्छा वाला, तो वही ले लेता हूं। तो उसी हिसाब से मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा। अगर मैंने गलत कहा आपके बजट के बारे में, प्लीज़ आप कमेंट कर देना, अगली बार जो कम्युनिटी पोस्ट आता है उसमें आप लिख देना। भले ही टॉपिक कुछ भी हो, आप टीवी का सवाल पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब अगले एपिसोड में जरूर दूंगा। तो चलिए, अभी स्ट्रीमिंग डिवाइस कौन सा अच्छा है मैंने एपिसोड में तो बता दिया आपको। अब इसमें से आप ले सकते हैं मी बॉक्स 4K जो मुझे बहुत पसंद है, उसके अलावा फायर टीवी स्टिक भी बहुत ही अच्छा है। इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, आप नहीं पछताएंगे। मी टीवी स्टिक बहुत ही सस्ता है, उसके प्राइस के लिए बहुत बढ़िया है वो, लेकिन उससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको फायर टीवी स्टिक में मिल जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन फायर टीवी की तरफ रहेगा। आपको 4K चाहिए तो मी बॉक्स 4K लीजिए और कुछ मत लीजिए। दूसरी चीज़ आपने कहा कि स्मार्ट टीवी कौन सा अच्छा है ले लीजिए। अभी काफ़ी सारे स्मार्ट टीवी अच्छे हैं मार्केट में वैसे, लेकिन सस्ते बजट में यानी 20-25 हज़ार के आसपास में। व्यू कंपनी का एक सिनेमा टीवी हमने देखा था, तो उसमें ना थोड़ा सा मतलब आप देख लीजिए, हमारे चैनल पे रिव्यू है उस टीवी का। व्यू के टीवीज़ में एक टीवी है जिसमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, तो स्मार्ट टीवी तो है ही, उसमें डॉल्बी विजन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी है। अगर आप 4K कंटेंट वगैरह देखते हैं तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और फ्रंट फायरिंग स्पीकर यानी कि ज़्यादातर टीवी जो होते हैं उनके स्पीकर ऐसे नीचे की तरफ पॉइंटेड होते हैं यानी कि ज़मीन की तरफ, तो उससे ऑडियो जो है पहले नीचे जाता है फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे मतलब पूरे रूम में फैलता है, तो उससे मतलब शायद वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो साउंड बार टाइप का एक्सपीरियंस होता है ना ऐसा। तो फ्रंट फायरिंग स्पीकर होता है जो स्पीकर आपकी तरफ पॉइंटेड होता है एकदम सीधा, आप मुझे देख रहे हैं ऐसे, मैं समझिए ऐसे आपकी बात कर रहा हूँ, तो ऑडियो सीधा आपकी तरफ जा रहा है, ऐसे फ्रंट फायरिंग स्पीकर कहा जाता है उसको। तो वो एक अच्छा लगा था मुझे, उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा मार्केट में आप देख लीजिए शाओमी के बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीवी है। मी टीवी होराइजन अभी एक नया आया है, वो भी बहुत ही बढ़िया है, आप वो ले सकते हैं। अंडर 25,000 सबसे बढ़िया टीवी मेरे ख्याल से तो वही है। रियलमी का स्मार्ट टीवी भी है इसी प्राइस रेंज में, उसे भी मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, ये भी मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं। और फाइनली आई थिंक वन प्लस का भी एक टीवी है, वो मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो अगर आपको मौका मिलता है ऑफलाइन स्टोर में वगैरह देखने के लिए कि 20-25,000 का जो वन प्लस टीवी है वो अच्छा है कि नहीं, तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। राकेश चौधरी, ये भी एक रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, मुझे स्मार्ट टीवी की ज़रूरत फिलहाल महसूस नहीं हो रही है, मेरा सारा काम स्मार्टफोन से हो जाता है, बाकी आप बता दीजिए इनमें से कौन सा बेस्ट मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस है। देखिए राकेश जी, आपके सवाल का जवाब तो मैंने एपिसोड में दे दिया, लेकिन आपसे मैं एक विनती करता हूँ कि पिछले एपिसोड में मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था, फिर आपका कमेंट नहीं देखा, तो मुझे पता नहीं कि आपने हमारा वो पूरा इतना बड़ा जो एपिसोड बनाया था हमने वो देखा कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपका एक सवाल जो था हमारे इसी कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें आपने पूछा था कि डिस्प्ले की जो टेक्नोलॉजी होती है अलग अलग, गूगल बोलता है OLED, फिर कोई कंपनी बोलती है AMOLED, कोई कुछ और ऐसे अलग अलग नाम देती है, इसमें क्या अंतर होता है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे कलीग शुभम ने एक वीडियो बनाया था पिछले संडे को आपके लिए स्पेशली, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। मुझे नहीं पता आपने वो देखा है कि नहीं, आपका कमेंट नहीं दिखा मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बोल दूं, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। अब इतना आपने पूछा आपके लिए बना दिया, आपका फीडबैक मिल जाएगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देख के आप ज़रूर मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, आपके कमेंट्स तो मैं पढ़ते ही रहता हूँ, काफ़ी एक्टिव है आप हमारे चैनल पे, मैं देखता ही हूँ बार बार, अच्छा लगता है बहुत आप वापस आते हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। मनदीप चौधरी जी ने एक और सवाल पूछ लिया, ठीक है भैया आपने दो सवाल पूछ लिया तो हम दो जवाब दे देंगे। मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है कि बेस्ट फोन अंडर 10K वाले वीडियो को देखकर आया था कि क्या आगे आने वाले टाइम में 2021 से प्राइसिंग ऐसी रहने वाली है या फिर कम होने वाला है या और बढ़ने वाला है। देखिए मनदीप जी, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइसेस कम हो जाएं फिर से। इसका कारण ये है कि अभी आप मार्केट में देख ही रहे होंगे मतलब किस तरह के ओवर टाइम अच्छे फ़ोन फिर से आने लग गए हैं। पिछले 6 महीने में ऐसा हो रहा था कि प्राइसेस बढ़ रहे थे, नए फ़ोन लॉन्च नहीं हो पा रहे थे, मार्केट में सब सप्लाई अप्लाई डिसरप्ट हो गया था। अभी धीरे धीरे मार्केट नॉर्मल होते जा रहा है, तो मेरी उम्मीद है कि 2021 में फिर से अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फ़ोन आते जाएँ और इसी तरह से आपको बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन मिल जाएँ। दूसरी बात यह है कि आपने न्यूज़ तो देखी होगी, आजकल काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो अभी बीमारी चल रही है हर जगह पे, जो लॉकडाउन वगैरह का माहौल चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए कुछ आने वाला है अगले साल होपफुली। तो अगर हो जाता है ये सब सही, तो होपफुली बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ज़्यादातर लोगों को कुछ ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाएगी उसमें, और ज़्यादातर प्रॉब्लम हट जाएगी, जिसके कारण सप्लाई चेन और इम्प्रूव हो सकती है, दुनिया पूरी नॉर्मल हो सकती है। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सिचुएशन पूरी नॉर्मल हो जाए।
तो अगर वो सब हो जाता है तो प्राइसेस नीचे ही आने चाहिए। बहुत अच्छी उम्मीद है यहाँ पे कि भाई अगले साल मार्केट पूरी तरह से ठीक हो जाए। ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन शुरू हो रहा है मार्केट का, तो देखते हैं। बाकी आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी करता हूँ, और क्या ही कर सकते हैं हम इस सिचुएशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी खुश नेहल जी का कहना है कि 1 लाख प्रणय सर, वेल थैंक यू कमेंट करने के लिए, बहुत आप मुझे अच्छा लगा कि आपको हमारे वीडियोस वगैरह पसंद आते हैं। आते रहिए, अगले हफ्ते कोई सवाल भी पूछ लीजिए। आपका कमेंट तो मतलब अच्छा लगा ऐसे देख के, लेकिन आप सवाल पूछ लेंगे तो मुझे जवाब देते हुए बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम यूट्यूब वीडियो तो बनाते हैं, आपके सारे कमेंट तो पढ़ते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम बस वीडियो किसी और के लिए बना रहे हैं। ये सारे वीडियोस आपके लिए डायरेक्ट बनते हैं, तो आपसे जो कम्युनिकेशन होती है, इस तरह बार बार बातचीत होती रहती है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसीलिए मैं इस चैनल पे बार बार आके वीडियोस बनाता हूँ। मेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर आके बोलने के लिए। आप लोग आते हैं, सवाल वगैरह पूछते हैं, आप लोग कमेंट देते हैं, फीडबैक देते हैं, इससे ही चैनल चलते आ रहे हैं, इससे ही चैनल आगे बढ़ रहा है। तो आप इसी तरह से मतलब कमेंट तो कीजिए, सवाल भी पूछ लीजिए, ताकि अच्छा लगे ऐसे कि आपकी राय जानने मिले और मेरी राय भी आपको पता चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रविशंकर जी का कहना है कि प्रणय भाई नमस्कार जी। नमस्कार जी, इनका कहना है कि मुझे 32 इंच का स्मार्ट टीवी लेना है, लेकिन फिलहाल कौन सा टीवी लेना बेस्ट रहेगा, प्लीज कुछ राय दो। देखिए रवि जी, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, 32 इंच के स्मार्ट टीवी है ना 15,000 रुपए से कम में मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी कंपनियां जो हैं, टीवी कंपनी जैसे रियलमी, शाओमी, वन प्लस, जो अच्छे स्मार्ट टीवी बनाती है इस प्राइस रेंज में, एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अपना 32 इंच का मॉडल हमको रिव्यू के लिए भेजती है। अब होता ये है कि हमारे पास आता है 43 इंच का मॉडल जो अंडर 25,000 रुपीज के प्राइस में आता है, ठीक है। अब वो मॉडल रिव्यू करके मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि 32 इंच का ये स्मार्ट टीवी आप ले लो, क्योंकि उसमें पैनल क्वालिटी अलग होती है, उसमें रेजोल्यूशन अलग होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई है उसमें। तो जो कॉन्टेंट की पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी दिखे या ना दिखे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे मतलब अच्छे से रेकमेंड तो नहीं कर सकता कि कोई इनमें से टीवी ले लीजिए जो 32 इंच है, क्योंकि रिव्यू के लिए कोई भेजा नहीं इन्होंने। अब ये तो रहा एक पॉइंट। अब दूसरी बात है, मेरा आपका सुझाव रहेगा आपके लिए कि मी टीवी 4A एक टीवी है और मी टीवी 4C, ये दो टीवीज हैं आप उस प्राइस रेंज में। तो ये दोनों टीवीज आप अगर किसी ऑफलाइन स्टोर में देख सकते हैं तो वो देख लीजिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा दो और टीवीज भी हैं, एक वन प्लस का टीवी है उसी रेंज में सस्ते में, अगेन ऑफलाइन स्टोर में अगर आपको कहीं दिखता है तो देख लीजिए, और रियलमी का भी एक स्मार्ट टीवी है। तो ये तीनों टीवी मेन कंटेंडर है इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों दावेदारों में से एक भी हमारे पास रिव्यू के लिए नहीं आया, तो मैं आपको आसानी से रेकमेंड तो नहीं कर सकता। लेकिन ऑफलाइन स्टोर में अगर आप जाकर देख लीजिए, अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगती है, पैनल अच्छा लगता है आपको, तो वो टीवी आप खरीद सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये है टेकोमेनिया का, ये भी रेगुलर व्यूअर है। इनका कहना है कि नए स्मार्ट टीवी पर पैसा खर्च करने से बेहतर है कि कोई मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस ले लें। वैसे ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन पर ही टीवी कास्ट करके काम चला लेते हैं, और इंक्लूडिंग मी, वैसे हम भी आपके रेगुलर व्यूअर है प्रणय भाई। रेगुलर व्यूअर तो आप हो, मुझे पता है डेफिनेटली, हर बार मैं कहता हूं कि आपको आपकी राय जो है कि स्मार्ट टीवी पर खर्चा करने से बेहतर है कि आपको स्ट्रीमिंग डिवाइस ही ले लेना चाहिए। देखिए अभी ये बात तो सही है, अगर आपके पास ऑलरेडी टीवी है तो क्यों उसे फेंक कर नया लेना है, स्ट्रीमिंग डिवाइस ले लीजिए, 2-3 हज़ार रुपये में आपका काम बन जाएगा जो आपको चाहिए स्मार्ट टीवी वगैरह के फीचर। ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन भी कंटेंट तो देखते हैं, ये बात सही है मैं मानता हूँ, लेकिन आप भी सोच लीजिए यार, अगर आप मतलब कंटेंट कुछ देख रहे हो, फोन पे आप आईपीएल के मैच देख रहे हो, 2-2, 3-3 घंटे हाथ में पकड़ पकड़ के ऐसे बोर हो जाता हूँ मैं, बार बार बंद कर देता हूँ, कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, कोई दूसरे जगह पे मैसेज भेजता है, ईमेल आ जाते हैं, कुछ ना कुछ आते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है फोन पे। तो इसीलिए मैं जब देखता हूँ ये सब मैच, स्पेशली मैं टेस्ट मैच बहुत देखता हूँ, क्रिकेट में मुझे बहुत पसंद आती है वो, तो जब भी मैंने ऐसे देखा है ना कि टेस्ट मैच के अगर आप देखना है अच्छे से आपको, तो 10-10, 12-12 ओवर के स्ट्रेच में देखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, वो टीम की स्ट्रैटेजी पता चलती है, बॉलर किस तरह से प्लान कर रहा है कि बैट्समैन को कैसे आउट करें, कैसे चकमा दें, और बैट्समैन किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं, कभी कभी बहुत ही डेंजरस पिच भी होते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ों में अच्छे से देखना है, बड़े स्क्रीन पर जो मज़ा आता है ना वो छोटे स्क्रीन पर नहीं है। तो इसीलिए स्मार्ट टीवी सबके लिए नहीं है ये मैं मानता हूँ, मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस लेके आप अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना लीजिए, ये भी सही पॉइंट है। बस ये है कि स्मार्टफोन में ज़्यादातर चीज़ें देखना ये मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अपने टीवी पे एक फायर टीवी स्टिक वगैरह लगा के उस पे कंटेंट देखूँ, ठीक है। तो अगली बार भी आप आइए, सवाल पूछिए, अच्छा लगता है आपसे भी बात करके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीरज अग्निहोत्री जी का कहना है कि हेलो सर, मेरे हिसाब से इंडिया में स्ट्रीमिंग डिवाइस का इतना बूम नहीं है, क्योंकि सबके पास फोन या लैपटॉप है, तो ज़्यादा लोग वहीं पर नेटफ्लिक्स या प्राइम देखना पसंद करते हैं, और अभी मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस के सेक्टर में और थोड़े अपडेट्स की जरूरत है यूजर फ्रेंडली होने के लिए। नीरज जी बात तो सही है, आई मीन ये ऑक्सिलरी डिवाइस है कहना, यानी कि सपोर्टिंग डिवाइस है, ये मेन डिवाइस किसी के लिए नहीं होगा। अब आप देख लीजिए मार्केट में लोग सोच रहे होंगे, अरे मेरे पास स्मार्ट टीवी है, क्यों मैं ये स्ट्रीमिंग डिवाइस वगैरह लूँ, क्योंकि ज़्यादातर आजकल तो ये स्मार्ट टीवीज ही बिकते हैं ना मार्केट में। स्ट्रीमिंग डिवाइस जो है थोड़ा नीश कैटेगरी में आता है, अभी भी मैं मानता हूँ पूरी तरह से उतना पॉपुलर नहीं है जितना स्मार्टफोन वगैरह है,
और जैसा आपने कहा ज्यादातर लोग स्मार्टफोन वगैरह पे देख लेते हैं, इसीलिए वो ये सब डिवाइसेस नहीं लेते हैं। लेकिन इसका मार्केट है जरूर भारत में, और आप सोच लीजिए कितने सारे लोग हैं, कितने सारे टीवीज हैं। स्मार्ट टीवी तो पिछले 2-3-4 साल में बिकना शुरू हुए, कितने लोगों के पास 10-10 साल से टीवी होते हैं। अभी क्यों अपना पुराना 5 साल पुराना टीवी फेंकना है जब वो अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए सस्ता वाला डिवाइस लेके चला लीजिए। तो इसीलिए ये मार्केट है उसके लिए अभी, और आगे जाके भी इसका मार्केट बना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट टीवी जो अभी मिल रहे हैं मार्केट में 1-1.5-2 साल में बहुत लैगी हो जाएंगे वो। तो फिर सस्ते वाले स्मार्ट टीवी स्पेशली ये देखा है कि डे वन पे लैग करते हैं, तो 1-1.5 साल के बाद में थोड़ी वो उससे ज्यादा फास्ट होने वाले हैं, स्लो हो जाएंगे थोड़ी बहुत। तो लोग स्मार्ट टीवी के लिए ये मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस लेके अपने टीवी को और लंबा चला लेंगे, तो मार्केट रहेगा इसका, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और ये बस कि ये डिवाइस थोड़े नीश में है, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। चलिए, अनूप पेडनेकर जी जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, थैंक यू, बार बार आप आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके सवाल वगैरह देख के। ये कह रहे हैं कि ये डिवाइसेस किसी भी टीवी के साथ चलते हैं या फिर ऐसा टीवी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा इन स्ट्रीमिंग डिवाइस को चलाने के लिए। देखिए अनूप जी, ये सारे स्ट्रीमिंग डिवाइसेस जो है HDMI पोर्ट के बेसिस पे चलते हैं, तो आपके टीवी में अगर एक HDMI पोर्ट है, फ्री वाला HDMI पोर्ट है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में ब्लूरे प्लेयर वगैरह होता है, DVD प्लेयर, स्पीकर, कुछ HDMI से कनेक्टेड होता है, उसके पास साउंड बार वगैरह होता है। तो HDMI पोर्ट अगर किसी भी डिवाइस ने ले रखा है, या फिर PlayStation, Xbox, ये सारी चीजों ने आपको अगर इन सारी चीजों को कनेक्ट करना है टीवी के साथ में, तो एक फ्री HDMI पोर्ट तो रखना पड़ेगा इन डिवाइसेस को यूज करने के लिए। अदरवाइज मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों ने एक Mi Box 4K को CRT टीवी से भी कनेक्ट करके चला दिया उसको, थोड़ा सा मतलब उन्होंने जुगाड़ किया है उसके लिए करने के लिए। पॉसिबल तो है CRT टीवी वगैरह से भी कनेक्ट करने में, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, वो सबके लिए नहीं है। उसके अलावा आपके पास मॉनिटर है अगर, तो उसमें चल जाएगा, HDMI पोर्ट होता है तो। टीवी है, फ्री HDMI पोर्ट है, उसमें भी चल जाएगा, कोई स्पेशल टीवी ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, बस HDMI पोर्ट का खेल है वो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी इन्फिनिटी रुद्र जी का पूछना है कि जो भी बेस्ट हो कृपया करके एक भेज दो 42 इंच का टीवी। देखिए रुद्र जी, हमारे पास जो भी टीवी आते हैं रिव्यू के लिए, सारे टीवी कंपनियां वापस ले जाती हैं, ऐसे टीवी हम रखते नहीं हैं घर पे, क्योंकि आप सोच लीजिए, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम तो भाई मतलब सैलरीड आदमी है, ईमानदारी की कमाई है हमारी, घर भी छोटे छोटे हैं हमारे पास में, टीवी तो रिव्यू के लिए आते जाते रहते हैं बार बार, कहाँ रखेगा आदमी इतने सारे टीवी घर पे। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कंपनियां हमारे पास में दो दो टीवी भेज देती है एक ही टाइम पे रिव्यू करने के लिए, दोनों कंपनी को चाहिए होता है, तो हम बोलते हैं भैया एक टीवी तो बॉक्स में रहेगा, दूसरा वाला इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल वाला निकालेगा तभी हम दूसरा रिव्यू करना शुरू करेंगे, एक साथ में दोनों रिव्यू करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह फ्री में आपको टीवी देने की बात तो नहीं रही, क्योंकि हमारे पास में ये टीवी रह नहीं जाते हैं, सब वापस जाते हैं, अल्टीमेटली हमारा काम रिव्यू करना है, इन सबको जमा करके दुकान तो नहीं खोल रहे हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदरजीत सिंह जी का कहना है कि इनको Amazon Fire TV Stick पसंद है, बहुत अच्छा डिवाइस है, ग्लैड आपको पसंद है। महेश भांडे जी, इनका कहना है कि रेगुलर व्यूअर ये भी है, इनका कहना है प्रणय भाई नमस्कार जी, बहुत नमस्कार आपका भी। Dimensity सीरीज के फोन इंडिया में कौन फर्स्ट लॉन्च कर सकता है आपके हिसाब से, रियलमी या Xiaomi? देखिए महेश जी, मेरे ख्याल से रियलमी शायद पहले लॉन्च कर देगा ऐसे, लेकिन ये पूरी गेस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रियलमी का अभी वो Dimensity सीरीज का UK में उन्होंने एक फोन लॉन्च किया है, तो शायद वो भारत में जल्दी से आ जाए, देखते हैं अभी क्या होता है। मैं भी थोड़ा उत्साहित हूँ, अच्छे परफॉर्मेंस वाले फोन सस्ते में मिलते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, तो देखते हैं। चलिए अब आप और मैं, हम दोनों ध्यान रखेंगे, जैसे ही फोन लॉन्च होगा फिर हम दोनों बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक पटेल जी का कहना है, हेलो प्रणय भाई जी, हेलो अभिषेक जी, नहीं मेरा स्मार्ट टीवी नहीं है, और अगर मुझे स्ट्रीमिंग डिवाइस लेना है तो मैं मी टीवी स्टिक या अमेजॉन फायर टीवी स्टिक में से एक को लूंगा, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आपको ऐसे बुरा नहीं लगेगा, डिवाइसेस दोनों ही अच्छे हैं, आपको जो पसंद आता है वो ले लीजिए, आपके लिए सही निर्णय रहेगा वो। चलिए भरत शर्मा जी का कहना है कि ये एयरटेल एक्सट्रीम स्टिक को पसंद करते हैं। डिवाइस मैंने रिव्यू नहीं किया इसलिए इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, तो ये जो एक्सट्रीम स्टिक है, जितना मैंने सुना है लोगों से, प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, ऐसे कोई मतलब बुरा प्रोडक्ट भी नहीं है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने यूज़ किया है, आपने खुद ने यूज़ किया है, तो आपकी राय भी दे दीजिए हमें, अच्छा रहेगा चैनल के लिए। चलिए महेश कुमार जी का कहना है, नमस्ते सर जी, मैंने दिवाली में थॉमसन का एंड्रॉयड टीवी ले लिया है, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? महेश जी, अगर आप टीवी से खुश हैं तो क्यों आप ऐसे सोच रहे हैं, ये बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़िए, अगर आपको टीवी पसंद है खुश रहिए, बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर टीवी खराब होता है तब आप वापस आके ये सब सवाल पूछिए, आपने जो टीवी लिया है वो अच्छा है बिल्कुल, उसकी मतलब ऐसे होता है ना, बायर्स रिग्रेट करेंगे खरीदने के बाद में, दुख होता है कि अरे मैंने क्यों ले लिया ऐसा, इस सब चीज़ में पड़िए मत, टीवी का इस्तेमाल कीजिए, खुश रहिए। चलिए मंदा जुवेकर जी का कहना है कि प्रणय भाई, स्मार्ट टीवी हो या स्मार्ट स्टिक लगा लो, ज़्यादातर इंडियन लेडीज स्पेसिफिकली मदर्स डेली सोप्स ही देखते हैं, और गांव में वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क अवेलेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। ब्रांड्स के इकोसिस्टम बनाते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे सही बता दीजिए। देखिए मंदार जी, आपके सारे पॉइंट्स तो सही है, लेकिन एक चीज़ से मैं थोड़ा नाखुश हूँ, ठीक है। आपका पॉइंट सही है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे औरतें स्पेशली जो
जैसे मेरी माँ जैसी हुई, एल्डरली लोग होते हैं जो, ये सारे लोग जरूर देखते हैं डेली सोप्स, लेकिन अगर आप कहेंगे कि ज्यादातर इंडियन लेडीज यही देखते हैं, ये गलत रहेगा। क्योंकि क्या है ना, हम और आप जानते हैं कुछ लेडीज को जो देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादातर इंडियन लेडीज ये सारे डेली सोप्स देखते हैं। बाकी जो होता है कि अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग कल्चर के बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप के शोज देखते हैं, सब डेली सोप्स थोड़ी देखेंगे, कुछ और भी देखते होंगे वो, क्या पता स्पोर्ट्स में भी बहुत लोग इंटरेस्टेड हो। अल्टीमेटली जब आईपीएल शुरू हो जाता है तो पूरी फैमिली बैठ जाती है वहाँ पर, फिर तो गए सीरियल सब हट जाओ, इंडिया की मैच चलती है तो सारे के सारे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप का कंटेंट देखते हैं लोग, इस तरह से कहना पूरी तरह से सही नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपने कहा यहाँ पे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स है और इकोसिस्टम जो पूरी बनानी है उनको आफ्टर सेल सर्विस वगैरह की, गांव वगैरह में पूरी तरह से बने हैं। ठीक है, पॉइंट सही है बिल्कुल भी। आपका वाईफाई वगैरह की इशू होती है तो स्मार्ट टीवी वगैरह लेके क्या फायदा, फिर केबल टीवी तो चली जाएगा उसमें, स्मार्ट टीवी लेंगे तो आप स्मार्ट भी रख सकते हैं, उसको नॉन स्मार्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है कि आफ्टर सेल सर्विस वगैरह सब ब्रांड्स को अच्छा करना चाहिए, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इसमें। बस ये है कि अगर टीवी लॉन्च नहीं करेंगे तो आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क कैसे बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट आया मार्केट में, प्रॉफिट बना, उससे आफ्टर सेल्स का नेटवर्क उन्होंने एक्सपैंड किया और गांव गांव तक लेके गए, ऐसे ही काम चलता है। होपफुली इस तरह आगे बढ़ते रहे और गांव एरिया वगैरह में भी अच्छा इंटरनेट के साथ में स्मार्ट टीवी सब लोग इस्तेमाल करें, यही मेरी उम्मीद है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तरुण सागर जी, इनका आखिरी सवाल है। इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय भाई, मेरा मानना है कि टीवी ज्यादातर बेहतर विकल्प रहेगा, स्मार्ट टीवी ज्यादातर बेहतर विकल्प रहेगा स्ट्रीमिंग डिवाइस के मुकाबले। मैंने खुद ले लिया स्मार्ट, मैंने खुद के लिए स्मार्ट टीवी खरीदा था। आजकल बाजार में 10,000 से भी कम में हमें ठीक ठाक स्मार्ट टीवी देखने मिल जाते हैं। फिर भी अगर किसी को एक डिवाइस चुनना है तो अमेजोन फायर टीवी स्टिक के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये सस्ते होने के साथ इसमें एलेक्सा, HDR10 ऐसे फीचर के कमाल के हैं। बाकी आपकी राय का इंतजार रहेगा। देखो मेरी राय तो मैंने पूरी तरह से दे दी, आपने जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं वो काफी सही पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सवाल के बारे में। प्रणय भाई, माइक्रोमैक्स बेस्ट एपिसोड में सवाल पूछने में मुझे देरी हो गई थी, अब पूछ रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसका भी उत्तर देंगे। जी बिल्कुल देंगे, अब आपने पूछ लिया तो उत्तर तो मैं दूंगा, सवाल मैंने देख लिया, अच्छा लगा था। माइक्रोमैक्स की वापसी देखकर अच्छा लगा। जो दो डिवाइस माइक्रोमैक्स लाया है उन्हें पेपर पर तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बस उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाए तो कमाल रहेगी। माइक्रोमैक्स से बस यही उम्मीद है कि इसी तरह अच्छे डिवाइस लाते रहे। इसके हुआवे जो कि एक चाइनीज कंपनी है, कि रीब्रांड होने की भी बातें सामने आ रही है, ऐसा अगर है तो फिर गलत है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सबसे पहले जो ये रीब्रांड वाली बात ना, ये मतलब अफवाह की तरह फैल गई थी, अब उसका कॉन्फर्मेशन तो नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर उन्होंने रीब्रांड करके भी इन्होंने सस्ते में स्मार्टफोन आपको दिया है और स्मार्टफोन अच्छा चल रहा है, स्टॉक एंड्रॉयड है, जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं अपडेट्स वगैरह की गारंटी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देख लीजिए, कितना भी हम कह लें कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कर लो स्मार्टफोन को, स्मार्टफोन के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो हैं वो दूसरे देशों में ही बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी भारत में उतनी अच्छी नहीं है अभी भी, तो भले ही कितना भी आप मेड इन इंडिया कह लो, अल्टीमेटली वो सारे फोन्स असेंबल्ड इन इंडिया होते हैं और पूरी तरह से मेड इन इंडिया नहीं। तो अगर वो रीब्रांड भी कर रहे हैं और यहाँ पर फ़ोन अच्छा दे रहे हैं आपको और फ़ोन अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस हो जाए, पसंद आए आपको, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है सच। इतना ज़्यादा मतलब बहुत सेंसिटिव विषय है ये, लोग ज़्यादा एकदम मतलब क्या कहते हैं, इमोशनल हो जाते हैं इस टॉपिक को देख के, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये सब काम नहीं करना है, हमें फैक्ट्स और लॉजिक की बात करनी है यहाँ पे। अब फैक्ट सामने ये होगा, हमारा रिव्यू चल रहा है अभी माइक्रोमैक्स के दोनों डिवाइसेस का, रिव्यू यहाँ पे रहेगा, आपको सारे फैक्ट्स दिए जाएंगे, आप देख के डिसाइड कीजिए ये डिवाइस आपके लिए है या नहीं। दूसरे चीज़ ये है कि अवेलेबिलिटी अच्छी हो उसकी, बस जितने अच्छे प्राइस पे दे रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक अगर एक सेकंड में हो जाएगा तो कोई ले नहीं पाएगा, तो सब फिर वही मतलब गुस्सा हो जाएंगे लोग। तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी के लिए कि अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी अवेलेबिलिटी भी रखे, उससे सब सही रहेगा। तो ये हो जाता है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कमेंट करके बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा, अगले कुछ एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके सारी चीज़ें बताइए। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए।